खबर राजधानी देहरादून के विकास नगर से है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज गंगभेवा बावड़ी मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद इस प्राचीन धार्मिक स्थल की बारीकी से अवलोकन भी किया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह पवित्र स्थल गौतम ऋषि और माता अहिल्या की तपस्थली रही है। ऐसे प्राचीन धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके आगे पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह छोटा सा स्थान गंगा का उद्गम स्थल होने के साथ साथ बहुत सी धार्मिक कहानियों को संजोए हुए गागर में सागर की कहावत को पूरा करता है और सरकार जल्द इस प्राचीन मंदिर का ऐसा विकास करेगी कि बहुत जल्द यह पवित्र स्थान पर्यटन के मानचित्र पर दिखाई देगा। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। आज विकास नगर के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ के जो छुपे हुए जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको अवलोकन करने के लिए मैं गंगभेवा बावड़ी में आया हुआ हूँ। यहाँ के इतिहास के बारे में पता चला कि गौतम ऋषि यहाँ पर जो है रहते थे और साक्षात गंगा यहाँ प्रकट हुई है, ऐसा मुझे बताया गया है। और निश्चित रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और इसका निश्चित रूप में हम विकास करेंगे और पर्यटन के मानचित्र पर इसको लाएंगे ताकि और भी श्रद्धालु यहाँ पर इस यमुना के क्षेत्र में गंगा का दर्शन कर सकें और गंगा जी में स्नान कर सकें। और यहाँ पर श्राद्ध पिंड भी दिया जाता है और यहाँ पर मच्छियों को भी लोग जो है भोजन देते हैं जिससे कि राहु केतु की शांति हो। तो ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ पर अहिल्या माता और गौतम ऋषि का तपस्थली रही है, ये निश्चित रूप में ही दर्शनीय स्थल है। और यहाँ पर बहुत से स्थल हैं, अभी हम आगे भी डेवलप कर रहे हैं। तो आज मुझे मौका मिला और मैं यहाँ पर जो हमारे रविंद्र सिंह चौहान जी हैं और श्रीमती नेहरू देवी जी हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और मेरे साथ यहाँ पर हैं, मुझे सारा दिखा रहे हैं परिसर को। यहाँ के आचार्यों ने मुझे परिसर दिखाया और बड़ी प्रसन्नता हुई देख करके। और बाबा बालकनाथ जी का मंदिर देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे हिमाचल के जो प्रेमी हैं यहाँ आ करके बाबा बालकनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सार के अंदर, एक गागर में सागर यहाँ पर इस तीर्थ के अंदर जो है चरितार्थ हो रहा है।